अबे मराठी मध्ये सांगायचे अभी वो एक ही खट्टा रहते है, खट्टा में अभी उसको बड़ा बड़ा नंबर छोटा नंबर उसका पार्ट कैसे बनाएगा, अलग अलग बाघ वैसा बनाए उसका कुछ कारण रहते। अभी एक चार में लगाए, चार बाई चार हो गया उसका, चार बाई चार उसका लिखाना पाई जे सो फोर बाई फिर होने के 100% होते, 100/100 एक हो गया। अभी उसमें एक निकाल दिया, इसका निकाल के इधर काढ़ा चाहिए उसको, खड़ा खड़ा के इधर टोते है मतलब कैसे लिखने का उसको 25% आते, 1/4 आ जाते, एक ही पीस एक ही 4 लिखते, 4:4 लिखते हुआ ऐसे एक अंदर लेने का, चार लेने का नहीं जाते, पांड लगाना पाइजिए दो से उसका सर्व करने का 8 जाते माइनस करेंगे तो 2 आ जाते, इसका 0 शून्य इधर निकालने का -20 हो गया, 0 हो गया, सो 5 2 फेर होते, 5 का लिखने का जरूरत पड़ता है, 5 नहीं लिखेंगे तो 25 रुपीज 25 रुपया है ऐसा सांगते है, 5 लिखेंगे तो 25 पैसे रहते, 25 पैसे के 25 रुपये का फर्क पड़ता है, पहले 5 लिखने की जरूरत पड़ता है। अभी देखो 2 निकाला उसका, ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसे भी निकाल काटवाना सकते हैं, काटवाना पाइजिए काटवाना सकता है। अभी मतलब क्या उसका 2 निकाला उसका एक ही ये साइड में भी निकाल सकते हैं, ये साइड में अभी ये साइड का 50 हो गया, आधा हो गया उसका पूरा कट्टा में, इसके अलावा इसका 50 हो गया। अभी तो उसका डिवाइड करेंगे 1/2, अभी देखो 4 है, 4 में 2 काटाया, अभी 4 अभी 2/4 ऐसा लिखने का, इसका कैंसिल करो 1/2 आ जाता है, इसका एक अंदर लिखने का जो ऊपर का नंबर अंदर लिखने का, बाहर का नंबर नीचे का नंबर बाहर लिखना ना पाइजिए वो नहीं जाते, इसके लिए 5 लगना पाइजिए, 5 2 7 10 वो माइनस करेंगे तो 0 आते, इसका 0 इसका निकालने का, फिर वो दोनों सरअप करेंगे तो 5 × 2 ऐसा हो गया ना माइनस आ गया, सो 1/2 का कैसे लिखना 0.50 ऐसे लिखना, 5 लिखना चाहिए नहीं जाते ना, इसके लिए 5 लगाना पाइजिए, इसका 0.50 तो 50 पैसे है, 5 नहीं लेंगे तो 50 रुपये के, तो 25 बोलते 25 रुपीज इंग्लिश में 25 रुपये का 25 बोलते, ये 50 रुपीज बोलते 50 रुपीज 50 रुपये का 50 बोलते के, सो ना एन वे आखे तमिल चलते, इसको तो फिक्स किया है उसको जो अलजेब्रा में बनाए अक्षर में बनाए, इसके लिए उसको ये ब्रैकेट जिस ब्रैकेट क्लोज्ड ब्रैकेट सी आते हैं ना उसको क्लोज में बंद किया हुआ है निशानी है, ये तो ये नहीं लिखना चाहिए क्यों ना, ये पक्का सो ना इंग्लिश में सो बोलते हैं, तमिल में एनवे आगे बोलो उसका पक्का बनाया, इसके लिए क्या करने का, ये तो ओपन में वो आते हैं ना, ये निशानी यूज नहीं करना मानते पाइजे, ये निशानी यूज करना पाइजे। तो अभी देखो मैं बीएससी मैथ्स है 3 साल किया, एमएससी मैथ्स है, बीएड टीचर है, एमएड एमफिल ऐसा 5 डिग्री किया, 2 बैचलर है, अभी पूरा कम्प्लीट किया, इसके लिए मैं निशानी लगाने का। अभी देखो मेरा कोई भी काम रहता है कम्प्लीट नहीं किया, इसके ऊपर एक लाइन खींचना पड़ेगा, आ रहते उसको ओपन ब्रैकेट करना चाहिए, तो वो रहते हैं ना वो ये ओपन ब्रैकेट वो ये ऐसा ये यूज करना, जो कंप्लीट नहीं किया है ऐसा ही उसका करना पड़ता है। ओके चलो अभी 0.1/2 है, 0.50 अभी देखो तीनों रहते, चार में 3 वो कड़ा के रखा है निकल कड़ाया, अभी कैसे लिखने का 3/4 लिखना पैसे, उसका आरो निकाला और एक हिंदी मराठी में हमने होमवर्क जो नहीं मालूम है वो नहीं बोलने का, 3 का अंदर का 4 का बाहर का, इसको नहीं जाते इसका 5 लिखने का, 7 7 7 बार जाते, 7 4 7 7 7 ना 7 1 2 3 4 5 6 7 ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके अभी 7 हो गया, 7 के 7 4 7 28 माइनस करने का 20 20 आते, 20 ना 20 तमिल 20 चलवा 30 ना 30 ना 30 ना 30 சொல்லுவாங்க ஓகே 10 ना 10 ना 10 10 ना 10 தமிழ்ல சொல்லுவாங்க அது வந்து 10 ना வயபொத்து 10 சொல்லுவாங்க அதுக்கு 10 சொல்லுவாங்க ஓகே ஓகே 8 ना 8 8 ना 8 8 ना 8 8 னு சொல்லுவாங்க 5 ना 5 5 சொல்லுவாங்க அது படிக்கிறதுனா கஷ்டம் ஆகுதுன்னு சொல்லலாம் 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 கேரா பாரா தேரா 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 கேரா பாரா அப்படி படிக்கணும் சரியா 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 கேரா பாரா தேரா அப்படி படிக்கணும் ஓகே ஓகே एक दो तीन चार पाँच सात आठ नौ दस ग्यारह बारह ओके अभी देख लो अभी चारों में जो है क्या 3 लिखा है इसका 3:4 बोलते 0.75 इसका पूरा निकालो तो 4/4 1 100 है कल क्या
अच्छा लगा क्या, देखा भाई एक्स परसेंटेज रहते, एक्स का मालूम नहीं, एक्स एक भी रह सकते, दो भी रह सकते, तीन चार कौन सा नंबर भी रह सकते हैं एक्स का, सीधा लाइन करके 100 लिखना। लाइन का भी हिंदी मराठी में मालूम नहीं, आप होमवर्क देख लो, लाइन का मालूम नहीं मेरे को, माहिती नहीं, मेरा माहिती नहीं है लाइन का, काय बोलते मेरा माहिती नहीं, अभी चलूँगा अदर आई डोंट नो वॉट वी हैव टू टेल फॉर द लाइन। அப்படின்னா எனக்கு வந்து தமிழில் வந்து லைனுக்கு என்ன கோடு, தமிழில் கோடு சொல்லுவாங்க, தமிழுக்குள்ள கோடில் கோடுக்கு என்ன எங்கள் ஹிந்தியில் சொல்லுவாங்க, மராட்டியில் சொல்லுவாங்க, தெரியலை, அது ஹோம் இருக்கும் வீட்டு கணக்கு கொடுக்கேன் அப்படின்னா எப்படி சொல்லணும், மிரக்க ஓ ஸ்வை சீதா லைனுக்கு உஸ்கா ஹிந்தி மராட்டியுமே ஜோ கியா காய் போடுது கியா போடுது மாலும் நை இருக்க காமிக்கலே உதய தேத்தி அப்படின்னு ஹிந்தியில் சொல்லணும், மராட்டியில் அபி ஏ லைன் பண்ணாயே உஸ்கா அர்த்தம் உஸ்கோ மத்தில் கியா கலத்துனை மைத்தி மேலே மைத்தி நெய் கலத்துனை அந்த கர்க்க जाने के बाद वो मम्मी डे से किससे पूछियो, अभी संग संग तो मालूम हासिल कराया पाई जे करो ओके। अभी एक्स अपॉन 100 है, सीधा लाइन करके 100 लिखा, उसका टेढ़ा लाइन करेंगे तो दोनों को उल्टा हो जाता है, मतलब कि एक्स बाई 100 है उसका उल्टा, सीधा लाइन करते ये ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे उसका अलग रहता है, 100 बाई एक्स का डिवे अलग है, वो बाद में ये बताएंगे वो कैसे सब्स्टिट्यूट करके, फिर एक सीधा सो ऐसे लिखेंगे तो एक्स परसेंटेज ऐसा संगते है। अब ऑल अंडरस्टूड, समझ में आया क्या, पुड़कीदा अच्छा लगा क्या, चान मरते क्या, चंगला उड़ते क्या, ऑल अंडरस्टूड, आर यू हैप्पी टीचिंग, पसंद करते क्या, ओके अभी ऑल हैप्पी टू लर्न, आपका अच्छा लग रहा है क्या, समझ में आया क्या, वी ऑल वेरी हैप्पी टू लर्न, पसंद आता है क्या आपको, ओके टू लर्न विद हैप्पी, ओके ஹாப்பி இந்து முதல் அப்படி டீச்சர் இருந்தால் நீங்கள் படிக்க நினைச்சி அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும், இதுக்கு மேலே என்னால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது, அதான் மாஸ்டர் டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே, மாஸ்டர்னா ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஓகே, மேத்தியா 3 மாஸ்டர் பட் லைஃப் அண்ட் ஜாப் இட் இஸ் ஃபேட் என்ன செய்ய, மாஸ்டர் 3 மாஸ்டர் மைண்ட் ஸோ ஒன்லி தே ஹேவ் கிவன் த சர்டிஃபிகேட்னா, இல்லை சும்மா கொடுக்க மாட்டாங்க புரிஞ்சு படிக்கவே, ஸோ யூ ஹேவ் டு லேர்ன் ஓகே, பாய், சி யூ, பெஸ்ட் ஆஃப் லக்.